जम्मू प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आपत्तिजनक बयानबाजी करने वाले अपने पूर्व एमएलसी व प्रदेश सचिव विक्रम रंधावा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी की सभी जिम्मेवारियों से हटा दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अनुशासन समिति की अंतरिम रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को रंधावा को प्रदेश सचिव व राजौरी जिला के प्रभारी के पद से हटा दिया। पूर्व मंत्री चौधरी श्याम लाल को रंधावा की जगह राजौरी जिला का प्रभारी बनाया गया है। सरकारी तंत्र में बैठे आतंकियों के मददगारों और धर्मांत जिहादी तत्वों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने सोमवार को एक जेल उपाधीक्षक और एक स्कूल प्रिंसिपल को बर्खास्त कर दिया है। सेवामुक्त किए गए जेल उपाधीक्षक का नाम फिरोज अहमद लून है और स्कूल प्रिंसिपल का नाम जावेद अहमद शाह है। जावेद अहमद शाह दक्षिण कश्मीर में जिला अनंतनाग के विज बिहाड़ा स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तैनात था। पिछले दो साल में बेहद मंदी की मार झेलने वाले व्यापारियों के चेहरे पर धनतेरस पर हुए अच्छे कारोबार से मुस्कान आ गई है। धनतेरस पर उम्मीद के अनुसार कारोबार जगत में धनवर्षा हुई। लगभग हर क्षेत्र में पूरा दिन ग्राहकों की गहमा गहमी रही। जम्मू जिले में ही धनतेरस से शुभ मुहूर्त में करीब 200 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इसमें सराफा बाजार में 100 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। दूसरे स्थान पर ऑटोमोबाइल और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और बर्तनों के कारोबार में अच्छी खासी बिक्री रही। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले आना जारी हैं। मंगलवार को 110 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 3,35,457 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 91 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 3,27,103 हो गई है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को आए 110 मामलों में से 92 कश्मीर संभाग और 18 जम्मू संभाग के हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने मंगलवार को अपना इस्तीफा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान सोनिया गांधी को भेज दिया। इसके साथ ही कैप्टन ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के गठन का भी ऐलान कर दिया। सोनिया गांधी को भेजे 8 पेज के इस्तीफे में कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि मेरी लगातार चेतावनी और पंजाब के सभी सांसदों की सर्वसम्मति के बावजूद आपने पाकिस्तान प्रेमी एक अनुचर को नियुक्त करने का फैसला किया, जिसने सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा और इमरान खान को गले लगाया था। सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने मंगलवार को दिल्ली में 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स की वीर नारियों से भेंट की। उत्तरी कमान मुख्यालय में पहुंची कारगिल युद्ध की वीर नारियों को अपने आवास में हुए कार्यक्रम में सम्मानित करते हुए जनरल जोशी ने विश्वास दिलाया कि सेना की ओर से उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा। कारगिल युद्ध में 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स ने असाधारण वीरता का परिचय दिया था। इस यूनिट के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा समेत कई वीरों ने देश के लिए जान कुर्बान की। भारतीय विमान प्राधिकरण जम्मू में स्थित मौजूदा एयरपोर्ट को विस्तार देने के साथ ही 25,000 वर्ग मीटर में एक उत्कृष्ट और आधुनिक नई टर्मिनल का निर्माण करेगा। इसके लिए प्रदेश प्रशासन पहले ही चिन्हित की जा चुकी 974 कनाल जमीन अगले चंद दिनों में विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप देगा। ये जमीन मौजूदा एयरपोर्ट के साथ ही सटी हुई है। जम्मू एयरपोर्ट पर रनवे को बढ़ाने के साथ ही 30% भार पेनल्टी को भी हटाया जा चुका है। मंडलायुक्त जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने सोमवार को संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जम्मू प्रांत में सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जम्मू एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का भी जायजा लिया। एयरपोर्ट के विस्तार और नए टर्मिनल के लिए चिन्हित जमीन को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपे जाने की स्थिति में संबंधित जमीन पर स्थित सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरण पर बैठक में चर्चा हुई। लद्दाख में चुनौतीपूर्ण हालात के बीच लंबी दूर तय कर ले पहुंचे सेना के मोटरसाइकिल सवार अब उच्च पर्वतीय इलाकों में तैनात जवानों को हौसला बढ़ाएंगे।
ले में सेना की 14 कोर मुख्यालय के दौरे के बाद अब सेना की सप्लाई कोर के डेयर डेविल मोटरसाइकिल सवार अब सियाचिन ग्लेशियर के आधार शिविर समेत कई अन्य दुर्गम इलाकों में जवानों के बीच जाएंगे। इस दौरान लद्दाख में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद ये वीर मनाली मार्ग से हिमाचल प्रदेश रवाना हो जाएंगे। सेना के 11 सदस्य मोटरसाइकिल सवारों के दल का नेतृत्व मेजर शिवम सिंह कर रहे हैं। अभियान का आयोजन 8 दिसंबर को मनाए जाने वाले सेना सेवा कोर के 261वें कोर दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने उत्तर कश्मीर में LOC के साथ सटे जिला कुपवाड़ा में सक्रिय नार्को टेररिज्म मॉड्यूल से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य फरार होने में कामयाब रहा है। सुरक्षा बलों ने इन दोनों के ठिकानों से 2 असॉल्ट राइफल और 4 पिस्तौल सहित हथियारों का जखीरा व ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थ का एक पैकेट भी बरामद किया है।